छतरपुर में सीएमओ की पत्नी को गोली मारकर जख्मी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी बबलू पटेल के पास से अवैध कट्टा और कारतूस भी जब्त किया है। छतरपुर के खजुराहो नगर परिषद के सीएमओ जाबिर खान की पत्नी को घर में घुसकर गोली मारने वाले आरोपी बबलू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पिछले दिनों नगर परिषद कर्मी बबलू पटेल सीएमओ की पत्नी तृप्ति खान को गोली मारकर फरार हो गया था। बाद में घायल तृप्ति को पहले जिला अस्पताल, उसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आरोपी ने घटना को क्यों अंजाम दिया, पुलिस इसका पता अभी तक नहीं लगा पाई है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध कट्टा और कारतूस भी जब्त किए हैं। जो मुख्य आरोपी है, जो एक आरोपी है, उसमें बबलू पटेल जिसने कट्टे से फायर किया था, उसको आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। मैं कट्टे और कारतूस की और उससे पूछताछ की जा रही है कि क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि ये सीएमओ साहब के बंगले पे काम करता था, इससे जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह का विवाद था जिसके कारण इसने घटना कराई। क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है, उसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और दो दिन का पीआर लेने का प्रयास कर रहे हैं। पीआर मिलने के बाद हम लोग पूछताछ करेंगे तो चीज़ें खुल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।